अगर आपका पासवर्ड मैनेजर में पासवर्ड सेव नहीं हो रहा है तो कैसे सेव होगा। अगर पासवर्ड सेव हो रहा है पासवर्ड मैनेजर में बट शो नहीं कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड मैनेजर में फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का पासवर्ड सेव हुआ है, यहाँ पर शो कर रहा है, बट आपकी ईमेल आईडी पर पासवर्ड मैनेजर में यहाँ पर कोई भी पासवर्ड शो नहीं कर रहा है, तो कैसे आप देखेंगे, इस सभी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो है आपको पासवर्ड मैनेजर के इस पेज पर आना है। यहाँ पर आप जीमेल ऐप से आ सकते हैं, क्रोम ब्राउजर से भी आ सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल में अगर जीमेल ऐप है तो सिंपल सा आप इसे ओपन करेंगे। जीमेल एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी आपका लॉगिन रहेगा उस ईमेल आईडी का एक ईमेल आईडी का जो है प्रोफाइल पिक्चर्स आइकन शो करेगा यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वह ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है जिसका पासवर्ड आप चेक करना चाहते हैं। तो ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद आप इस प्रोफाइल पिक्चर पर फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद गूगल अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। सो आपके सामने यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर योर सेव पासवर्ड में पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पर जो है पासवर्ड सेव होता है। जिस भी साइट को, जिस भी एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे यहीं पर पासवर्ड सेव रहता है, यहीं पर देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड मैनेजर में यहाँ पर कोई भी पासवर्ड सेव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पासवर्ड सेव करने के लिए कंडीशन है कुछ सेटिंग करना है। तो सेटिंग है यह है, आप यहाँ पर सेटिंग का जो आइकन देखने को मिल रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में यह तीनों जो सेटिंग है यह ऑन होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तीनों सेटिंग जो है ऑन होना चाहिए। तो पासवर्ड सेव करने के लिए दो कंडीशन है, पहला तो ये तीनों जो सेटिंग है आपके ईमेल आईडी पर ऑन होना चाहिए, दूसरा आपके क्रोम ब्राउजर पर वह ईमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन होना चाहिए, यहाँ पर वह ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद आप जिस भी साइट को, जिस भी एप्लीकेशन में आप लॉगिन करेंगे वह पासवर्ड जो है इस ईमेल आईडी पर पासवर्ड मैनेजर में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप पासवर्ड मैनेजर में जो है पासवर्ड सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दूसरा ईमेल आईडी है जिसमें मेरा पासवर्ड यहाँ पर सेव हुआ है। यहाँ से हम अपना ईमेल आईडी चेंज करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड मैनेजर में यहाँ पर फेसबुक का, गूगल का, इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का, इस सभी का जो है पासवर्ड यहाँ पर सेव हुआ है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक इंटर करेंगे। तो जो भी पासवर्ड रहेगा यहाँ पर आई बटन पर हम क्लिक करेंगे तो पासवर्ड अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरह से पासवर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बात करते हैं अगर यहाँ पर पासवर्ड आपका सेव हो रहा है बट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, किसी साइट को, किसी एप्लीकेशन को आपने ओपन किया है वह यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो उसका पासवर्ड आप कैसे देखेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लर्न मोड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टार्ट पासवर्ड चेकअप, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से जो है आपके सामने यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो है चेक पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल ईमेल आईडी लॉगिन है तो आप प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके वह ईमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे जिसका पासवर्ड आप सेव पासवर्ड देखना चाहते हैं। जैसे कि हमारा यही ईमेल आईडी है तो हम यहाँ पर चेक पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपके सामने यहाँ पर यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर भी आपको चेक कर लेना है वही ईमेल आईडी सिलेक्ट होना चाहिए जिसका पासवर्ड आप देखना चाहते हैं।
उसके बाद इस ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है यहाँ पर मांगा जाएगा, तो आप इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर पासवर्ड चेकअप में वह सभी पासवर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइट का जो पासवर्ड वहाँ पर स्टोर नहीं कर रहा था, जिस भी साइट का जिस भी ऐप का पासवर्ड पासवर्ड मैनेजर में वहाँ पर स्टोर नहीं कर रहा था वह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जो है आप थ्री डॉट पर क्लिक करके व्यू पासवर्ड पर क्लिक करके इस साइट का जो भी पासवर्ड रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी पासवर्ड मैनेजर में पासवर्ड स्टोर नहीं कर रहा था, जिस भी एप्लीकेशन का स्टोर नहीं कर रहा था, उस साइट का जो है आप यहां से पासवर्ड देख सकते हैं।